द प्राइड ऑफ आवर नेशन। भारत एक बहुत ही महान देश है और महान होने के साथ साथ एक रिच कंट्री भी है इन द टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड इंटेलेक्ट। यहाँ पर ऐसी महान हस्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, मेडिसिन एंड साइंस के फील्ड में काम करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आपको जानकर हैरानी होगी बेटा कि यह भारत ही है जिसने पूरी दुनिया को ज़ीरो का कंसेप्ट दिया, और अगर ये ज़ीरो ना होता तो आज हम जो मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हैं शायद वो भी ना कर पाते और शायद कभी स्पेस में भी ना जा पाते। ज़ीरो दुनिया को भारत की एक बहुत महान देन है। आयुर्वेदा एंड योगा जो आजकल पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुके हैं, पूरी दुनिया में इनकी प्रैक्टिस की जाती है, इनका जन्म भी यानी कि आयुर्वेदा और योगा का जन्म भी भारत में ही हुआ। इसके साथ भारत में ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और भी न जाने कितने हज़ारों स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने छोटी उम्र में भारत माँ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें आज़ादी दिलाई। तो ये सब महान हस्तियों को हम बहुत प्राउड से, बहुत गर्व से जेंट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबसे पहले हम बेटा फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में वो महान हस्तियां आती हैं जिन्होंने अपने सुख, अपने आराम छोड़कर भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाया, और इसमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का नाम उन फ्रीडम फाइटर्स में लिया जाता है जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष की नींव रखी, यानी कि जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत की। उनका मानना था अगर अंग्रेज़ भारत पर हुकूमत कर रहे हैं तो इसका खास कारण है भारतीयों की अज्ञानता। इसीलिए वो चाहते थे कि भारतीय पढ़े लिखे ताकि उन्हें अपने राइट्स की, अपने हकों की जानकारी हो। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी कि सेल्फ रूल शब्द के बारे में लोगों को जानकार किया। स्वराज यानी के स्व अपना, राज यानी के हुकूमत, स्वराज। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले 19th सेंचुरी के बहुत महान नेता हुए हैं। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। इन्होंने भारत के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए बहुत काम किया। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल का नाम बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इन्होंने भारतीय जनता को बताया कि अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते हैं तो हमें करेज यानी कि हिम्मत, सेल्फ हेल्प और सेल्फ सेक्रीफाइस, इन तीनों के रास्ते पर चलना होगा, तभी हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ले सकते हैं। अपनी मृत्यु तक यानी कि 1932 तक ये देश की आज़ादी के लिए ही काम करते रहे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भारतीयों को नारा दिया स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके इस नारे ने पूरे भारत में एक जोश की लहर दौड़ा दी। उन्होंने जोर दिया कि हमें फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना चाहिए, यानी कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, हमें विदेशी वस्तुएं छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उनके इस अंग्रेज़ी वस्तुओं के बहिष्कार में उनका साथ दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ बौखला गए। लाला लाजपत राय, जिन्हें हम लायन ऑफ पंजाब या शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत से आंदोलन किए और ऐसे ही एक आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने जब लाठी चार्ज किया तो इनके सर पर लाठी लगने की वजह से इन्हें बहुत चोट लगी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता, इनका नाम आज भी हम बहुत ही सम्मानपूर्वक लेते हैं। इन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। सत्य और अहिंसा यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इनके टू प्रिंसिपल्स थे और इनका मानना था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चल के हम अपने हक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपनी आज़ादी ले सकते हैं। और बहुत लंबे आज़ादी के संघर्ष के बाद, बहुत बार जेल जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। बट अनफॉर्चुनेटली 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी याद करते हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत से आंदोलन किए, बहुत बार जेल गए। इन्होंने हमें पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया। इनका मानना था कि हमें सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि देश पर अपनी हुकूमत और हमारा अपना संविधान। भारत के आज़ाद होने पर जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए फॉरेन मिलिट्री की यानी विदेशी सेना की भी हेल्प ली और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत काम किया और इन्हीं की वजह से हम आज़ादी के संघर्ष में सफल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया या भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, इन्होंने भारतीयों को यूनिटी यानी एकता का मंत्र दिया। इनका मानना था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम सब यूनाइट हो जाएं, हम सब एक हो जाएं, तो ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी ना दिला सके। सी राजगोपालाचारी, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य है, ये फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक बहुत महान लॉयर, पॉलिटिशियन और बहुत महान लेखक यानी कि राइटर भी हुए हैं। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन दी है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी है और साथ में ये
इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन। बेटा, एंशिएंट टाइम्स से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही इंडियंस को मेडिसिन की काफ़ी जानकारी रही है। यहाँ तक कि हम लोग काफ़ी पहले से ही नेचुरल चीज़ों से ही अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। हमारे जो चार वेद हैं उनमें से ऋग्वेद में कई पेड़ पौधे जैसे पीपल, पलाश और सेमल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात भी की गई है। तो चलिए बेटा, अब हम कुछ ऐसे इंडियंस के बारे में जानते हैं जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में बहुत योगदान दिया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है सुश्रुत का, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। सुश्रुत 4th century के काफ़ी महान मेडिकल एक्सपर्ट हुए हैं। उन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने 1100 डिजीज़ के बारे में और उनको ठीक करने के लिए मेडिसिंस के बारे में बताया है। इसी तरह से बेटा, उन्होंने कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऑपरेशन में, सर्जरी में यूज़ होने वाले कई इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए। फिर इसी तरह से उन्होंने दांत निकालना, गॉल ब्लैडर से स्टोन्स रिमूव करना, फ्रैक्चर्स क्योर करना, आइस की सर्जरी और यहाँ तक के ईयर, नोज़ और लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी कई इन्वेंशंस किए। क्योंकि बेटा, उस टाइम वॉर्स, बैटल्स बहुत हुआ करती थी और लोगों के फेस के कई पार्ट्स कट जाया करते थे, जिन्हें रिपेयर करने के लिए सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की इन्वेंशन की। नेक्स्ट कम्स चरक। चरक 1st century के मेडिकल एक्सपर्ट थे। इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। चरक ने चरक संहिता नाम की बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने बताया कि डॉक्टर को एक पेशेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में किस तरह का अपना कंडक्ट रखना चाहिए, और उन्होंने चरक संहिता बुक में बहुत से डिजीज़ और उनको डायग्नोस करने के तरीके और उनको ठीक करने के, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट इज डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज मिला फर्स्ट मैन मेड जीन बनाने के लिए। अब बेटा, ये जीन क्या होते हैं? जीन्स हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों को और आने वाली जनरेशन्स को पास होते हैं, और इन्हीं जीन्स की वजह से ही हम अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, यानी कि हमारे जो भी करैक्टर हमारे पेरेंट्स के साथ मिलते हैं वो सिर्फ इन जीन्स की वजह से ही मिलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। बेटे, बहुत से महान इंडियंस ने साइंस में बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस की हैं और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, और इसमें सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। जैसे बेटा आपको बताया कि भारत ने ही इस दुनिया में ज़ीरो का कंसेप्ट दिया, और ये ज़ीरो का कंसेप्ट देने वाले और कोई नहीं बल्कि महान आर्यभट्ट ही थे। साथ में ही इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ राउंड है, गोल है, अपने एक्सिस के आसपास घूमती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट
बनते हैं। तो इससे पहले बेटा लोगों को अर्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आर्यभट्टा ने ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन दुनिया को बताई। नेक्स्ट इज डॉक्टर सी वी रमन। डॉक्टर सी वी रमन फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिकल में नोबल प्राइज लिया, और इनको नोबल प्राइज मिला स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्योरी देने के लिए। इन्होंने बताया कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से फैलती है, स्कैटर करती है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हम कहते हैं। ट्रॉम्बे में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी की। प्लांट्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स भी हमारी ही तरह ग्रो करते हैं, और उन प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी बनाया। कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। बेटा सोशल रिफॉर्मर्स उन्हें कहते हैं जिन्होंने समाज में से, हमारी सोसाइटी में से कई बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दिया, और इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। इन्होंने बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका सबसे बड़ा योगदान सती प्रथा बंद करवाने में है। अब बेटा सती प्रथा क्या है? पुराने टाइम में क्या होता था, जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को उसके हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था। अब बेटा आप सोचिए, हमारी उंगली में अगर ज़रा सी भी आग लगे हमें कितना दर्द होता है, और किसी को पूरा जला देना जिंदा कितना तकलीफ दे है। और अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसमें उस लेडी का क्या कसूर, उसे क्यों सज़ा मिलनी चाहिए? इसी बात को लेके राजा राम मोहन रॉय को बहुत दुख होता था, और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से कानूनी तौर पे सती प्रथा को हमेशा के लिए बंद करवाया। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंटेलिजेंट सोशल रिफॉर्मर और एक वेल ट्रेवल्ड यानी कि पूरे विश्व में उन्होंने घूमकर अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग यानी कि जो लोग दुखी थे उनकी प्रोग्रेस के लिए योगदान दिया। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये मिशन अभी भी काम कर रहा है, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प के लिए एजुकेशनल और चैरिटेबल वर्क अभी भी कर रहा है। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम सोसाइटी के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया।
उन्होंने इनक्रेज किया लर्निंग ऑफ साइंस के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। उन्होंने सोसाइटी में लेडीज़ के इक्वल स्टेटस पे बहुत जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वो कास्ट सिस्टम और अंधविश्वास के बहुत अगेंस्ट थे। वो जाति पाति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और लोगों को भी यही शिक्षा देते थे कि जात पात को छोड़कर सबको बराबर समझे और अंधविश्वास को छोड़कर हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करें। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु केरला के एक महान सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने भी पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया और सबको इक्वालिटी का, बराबरी का संदेश दिया। संत कबीर दास, ये भी एक बहुत महान सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। इनका नाम आज भी घर घर में लिया जाता है। इन्होंने प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरे दुनिया में पहुंचाया। इनके भजन और दोहे आज भी हम याद करते हैं, पढ़ते हैं और इनसे शिक्षा लेते हैं। संत कबीर दास भी जाति पाति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये भी सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर समझते थे। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है सोशल रिफॉर्मर्स के फील्ड में। इन्होंने अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंद दुखी लोगों की सेवा में ही व्यतीत कर दिया। इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था की स्थापना की, जो आज भी पूरे देश में अनाथ बच्चों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए चैरिटेबल एजुकेशनल हेल्प करती है। इन्होंने पूरे विश्व में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश पहुंचाया। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड ड्रामा, बेटा सबसे पहले हमें इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया की लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी। पहले जो भी लिखा जाता था या जो भी कम्युनिकेशन होती थी वो सब संस्कृत में ही हुआ करती थी। तो अब हम एंशिएंट इंडिया के फेमस ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास के बारे में कुछ जानते हैं। बेटा कालिदास ने जो भी लिखा वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने एक फेमस प्ले लिखा अभिजान शकुंतलम, जो महाभारत के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है और ये पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। उनकी कुछ अन्य कविताएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत एंड ऋतु संहार, और उनकी ये सभी किताबें वर्ल्ड फेमस हैं और आज भी पढ़ी जाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी इस नाम को जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही महान पोएट, प्लेराइट यानी कि नाटककार, म्यूजिशियन और फिलोसोफर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के सबसे पहले नोबल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। इन्होंने नेशनल एंथम लिखा यानी कि जनगणमन लिखा। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में है। गीतांजलि उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, जिसे आज भी लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। और कुछ और जो उन्होंने लिखा बहुत फेमस है वो है मानसी
गोरा पोस्टमास्टर एंड द क्रिसेंट मून। अगर बेटा आपको इनमें से कोई भी बुक कभी भी पढ़ने को मिले तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही सिंपल लेकिन महान लेखक और कवि। इन्होंने बचपन में उर्दू और पर्शियन सीखी। इन्होंने बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी जो सोजे वतन नाम की बुक में लिखी गई हैं, पब्लिश हुई हैं। उनका नॉवल प्रेरणा हिंदी में पब्लिश हुआ जिन्हें लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं। और उनकी कुछ और वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं निर्मला एंड गोदान। उनकी लिखी हुई बुक्स पर मूवीज़ भी बनी हैं। तो बेटा कभी भी अगर आपको मौका मिले तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई किताबें ज़रूर पढ़िएगा। इनकी जितनी भी किताबें हैं वो सब हिंदी में अवेलेबल है। उन्होंने कई सामाजिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखा, जैसे बच्चों के प्लाइट के बारे में, विडोज़ के बारे में, डाउरी सिस्टम और किसानों की दुर्दशा के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में म्यूज़िक एंड डांस का एक ख़ास महत्व रहा है। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है महान गायक तानसेन का। तानसेन अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स में 9 रत्नों में से एक थे और महाराज अकबर के दिल के बहुत करीब थे। आज भी उनकी याद में उनके मकबरे पर हर साल संगीत सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान बहुत महान शहनाई वादक हैं। इन्होंने 50 वर्षों से भी ज़्यादा शहनाई बजाकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। शरण रानी भारत की पहली महिला सरोद प्लेयर है। इनकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ दिल्ली में डिस्प्ले की गई है। पंडित रवि शंकर महान सितार प्लेयर। इन्होंने बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल कंसर्ट्स किए हैं। भारत सरकार ने इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया था। इसके अलावा भी पूरे वर्ल्ड में इनको बहुत से अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया जा चुका है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया फेमस फ्लूट प्लेयर, जिनका फ्लूट बजाने में और कोई भी पैरेलल नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन फेमस तबला प्लेयर, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम बेस्ट तबला प्लेयर्स में है। इन्होंने तबला बजाने की शिक्षा अपने पिताजी उस्ताद अल्ला रखा से ली थी। इन्होंने बहुत से नेशनल एंड इंटरनेशनल कंसर्ट्स भी किए हैं। पंडित भीमसेन जोशी वोकल म्यूज़िक में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने बहुत से भक्ति संगीत और देशभक्ति संगीत दिए हैं, साथ ही इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है। MS सुब्बुलक्ष्मी क्लासिकल म्यूज़िक के कार्नाटिक स्टाइल में इनका नाम बहुत ही फेमस है।
भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मंगेशकर सिस्टर्स, इनका नाम कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इन तीनों बहनों का नाम लता मंगेशकर, आशा भोंसले एंड उषा मंगेशकर, हर कोई इनके गाए हुए गाने टीवी पर और रेडियो पर सुनता है। पंडित शिव कुमार शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट संतूर प्लेयर, इन्होंने संतूर बजाने में भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। अब बेटा कुछ डांस फॉर्म्स की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म है। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम में बहुत नाम किया है। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम की फेमस डांसर है। कथक, नॉर्थ इंडिया की फेमस डांस फॉर्म कथक, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज और गोपी कृष्ण वर्ल्ड फेमस कथक डांसर्स हैं। मोहिनीअट्टम एंड कथकली क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया की। इसके अलावा भी बहुत से फोक डांसेस हैं इंडिया के, जिन्हें लोग त्योहारों पर या सेलिब्रेशंस में करना पसंद करते हैं। डांडिया, गरबा, भांगड़ा, बीहू, गिद्दा एंड मैनी मोर।